हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं जो इस गिरे हुए मार्केट में बहुत अच्छा टाइम आ चुका है पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो जैसे कि मार्केट गिर रहा था दोस्तों, एक हफ्ते से मार्केट गिर रहा, लेकिन इस गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिनका वैल्यू थोड़ा कम हो चुका है, रियल वैल्यू से भी, मतलब अंडर वैल्यूड के आने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन सा स्टॉक है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, HDFC लाइफ। ठीक है, आपको पता ही होगा HDFC लाइफ के बारे में दोस्तों, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्टॉक 566 पे चल रहा है, आपको ये स्टॉक को खरीद के चलना है। ठीक है, चाहे जो भी हो आपको खरीदना है, चाहे थोड़ा बहुत अगर गिरावट भी होता है तो उसमें दिक्कत की कोई बात बात नहीं है, आपको खरीदना है। ठीक है, चाहे जो भी हो, एक बार और बोल देता हूं, खरीदना है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा जो है करेक्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसा शेयर तो आपको सपनों में भी नहीं मिलेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, पहले भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा स्टॉक को आपको खरीदना ही खरीदना है, सोच लीजिए। ठीक है, अभी देख लीजिए इसका जो प्राइस है दोस्तों, पहले यहाँ पर देख लीजिए 300 के आसपास हुआ करता था, बहुत गया था, कितना 550 के आसपास गया था, उसके बाद इसने रिकवरी लिया, रिकवरी लेने के बाद आज देखिए फिर से एक नया हाई बनाया है, उसी तरह दोस्तों ये जो रिकवरी लिया है फिर से ये रिकवरी ले रहा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरे। ठीक है, जैसे कि ये गिरा था तो वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत और गिरे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ खरीदना है। ठीक है, तो ये स्टॉक को पीछे नहीं छोड़ना, उसके साथ साथ HDFC जैसा ही एक स्टॉक है दोस्तों, वो है ICICI प्योर। ठीक है, इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 481 रुपीज चल रहा है, 1 रुपया का भी तोल मोल मत कीजिएगा, खरीद लीजिए भाई, खरीद लीजिए भाई, खरीद लीजिए। ठीक है, आगे पीछे नहीं कीजिए, कम से कम छोटा स्टॉक है, कम से कम तो 500 स्टॉक या 200 स्टॉक तो आप खरीद ही सकते हो, जिसमें आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, खरीद लो, आगे पीछे मत सोचिएगा, खरीद लो। ठीक है, इतना तो बच्चों को भी बोलने पर समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टॉक भी देखिए पहले बहुत ज्यादा भारी मात्रा से गिर चुका है, और मार्केट तो अभी 3 दिनों से गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में हमें सोचना नहीं चाहिए, कभी भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो दोस्तों हमें वजह देख के खरीदना चाहिए, प्राइस देख के नहीं। प्राइस तो हर एक मिनट में फ्लक्चुएट होते रहता है, अभी देखिए मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है देखिए इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, मार्केट तो अप डाउन जानता ही है, लेकिन हमें प्राइस नहीं वैल्यू देख के खरीदना चाहिए और वजह देख के खरीदना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह दो वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं अभी 8 o'clock हो रहा है दोस्तों। तो आपको ये जो दो मैंने स्टॉक बताया वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, आप ये दोनों को लंबे समय तक रख सकते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में भी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को छोड़िए मत, मैं ये वीडियो के बारे में टेक्निकली और फंडामेंटली भी शाम को पूरा जो है इवनिंग में अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मार्केट ओपन होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।